हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्रिप्टन क्लासेस में। बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी है इस वीडियो में, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो इससे पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आइए इस बारे में बात कर लेते कि UFM किन केसेस में पक्का लगेगा। तो सबसे पहला केस है कि अगर आपके बगल में आपकी मदद करने के लिए कोई है, ठीक है, और वो कैमरे के सामने आ जाता है या थोड़ी देर के लिए कैमरे के सामने दिखता है, तो प्रॉक्टर उस केस में क्या करेगा? अगर प्रॉक्टर को दिख गया तो वार्निंग भी देगा आपको, लिखेगा मैसेज में, बताएगा कि समवन इज़ हेल्पिंग यू, ठीक है, और साथ ही साथ वो वीडियोग्राफी भी कर लेगा आपकी, ठीक है। तो उस केस में आपका UFM लग सकता है, वीडियोग्राफी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कि अगर आप मोबाइल से चीटिंग करते हुए पकड़े जाएँ, यानी कि आप मोबाइल से चीटिंग कर रहे हैं और कैमरे के सामने हैं और प्रॉक्टर आपको देख लिया, और प्रॉक्टर ने देखने के साथ साथ आपकी वीडियोग्राफी भी कर ली, और ऐसा नहीं है कि वो चोरी से वीडियोग्राफी करेगा, आपको मैसेज द्वारा बताएगा भी कि आपने मोबाइल से चीटिंग कर रहे हैं और अब मैंने देख लिया है, और आपका UFM बन सकता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ज़रूरी ही कि UFM बन जाएगा। कई बार प्रॉक्टर छोड़ देते हैं, वार्निंग दे दिया, आपने मोबाइल हटा लिया, तो फिर वो छोड़ भी देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, नहीं मानने पर, बार बार नहीं मानने पर UFM बन सकता है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा केस। तीसरा केस है कि अगर आप प्रॉक्टर से बदतमीजी करते हैं, यानी कि या तो आप बदतमीजी से बात करें उससे, या उसके सवालों के जवाब ना दें, या आप उसकी बात को ना माने, या ये भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो, जैसे कोई खाना खा रहा है एग्जाम देते समय, कोई चिप्स खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, तो ऐसे भी केसेस सामने आए हैं जिसके अंदर बच्चे ऐसी हरकत करते हुए पकड़े गए हैं। तो इस केसेस में भी आपका UFM बनाया जा सकता है। तो इन बातों का भी ध्यान रखें कि प्रॉक्टर से बदतमीजी नहीं करना है, और कोई भी आपत्तिजनक चीज़ एग्ज़ाम के दौरान नहीं करनी है आपको। चौथा जो है वो है कि आप बिना बताए, प्रॉक्टर से बिना बताए, आप बहुत देर तक स्क्रीन से गायब हो जाते हैं, यानी कि कैमरे के सामने से गायब है, कोई है ही नहीं स्क्रीन पे, ठीक है। तो अगर बहुत देर तक आप बिना बताए गायब रहते हैं, तो उस केस में भी आपका UFM बन सकता है, ठीक है। आपको कुछ भी लेने जाना है, चार्जर लेने जाना है, या कुछ भी पानी पीने जाना है, ID कार्ड लेने जाना है, तो आप पहले प्रॉक्टर से पूछिए, अगर वो परमिशन देता है तभी जाइए, नहीं तो ऐसे गायब होंगे तो वो वीडियोग्राफी कर लेगा और वो UFM के केस में दायरे में आ सकता है। तो आइए बात कर लेते हैं अब जो AKTU से बहुत बड़ी खबर आ रही है उसके बारे में, जो बहुत डिसअपॉइंटिंग हो सकती है बहुत से काफ़ी बच्चों के लिए। तो और लेकिन ज़्यादा बच्चों को टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो अगर आप चीटिंग करते हुए नहीं पकड़े गए हैं तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, और मैं बताऊंगा कि किन केसेस में कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। तो सबसे पहले उस खबर को जान लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है आप सभी के लिए। तो खबर ये है कि AKTU ने सभी प्रॉक्टर से उन बच्चों की डिटेल मांगी है जिनके ऊपर UFM लगाना है, यानी कि UFM का केस जिन बच्चों के ऊपर लगाना है, उनकी सारी डिटेल्स विद प्रूफ मांगी है प्रॉक्टर्स की तरफ से, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि प्रॉक्टर की तरफ से अब डिटेल क्यों मांगी है, तो यहाँ पर यह है कि एग्ज़ाम के दौरान किसी का भी UFM नहीं लगा है, किसी का भी एग्ज़ाम टर्मिनेट नहीं हुआ है, अब सारे UFM के केस AKTU द्वारा देखे जाएंगे, रिव्यू किए जाएंगे, जो कि प्रॉक्टर्स ने बनाकर अपने पास रखे हैं, ठीक है। तो प्रॉक्टर्स ने बनाकर अपने पास रखे हैं, तो डिटेल्स में क्या मांगा है AKTU ने? बच्चे का नाम, बच्चे का रोल नंबर, बच्चा कौन सी चीज़ ऐसी कर रहा था अनफेयर मींस जिसकी वजह से आपने UFM बनाया, यानी कि प्रॉक्टर ने UFM बनाया है, और उस UFM की प्रूफ, यानी कि वीडियोग्राफी अगर की है प्रॉक्टर ने, कि वो मदद करते हुए कोई दो तीन लोग कैमरे के सामने हैं, या मोबाइल दिखा हुआ है, या किसी प्रकार का स्क्रीनशॉट, या आप गायब हैं स्क्रीन से काफ़ी देर तक, उस तरह के जो वीडियो हैं जो उन्होंने बनाए हैं और वार्निंग्स जो दी हैं, वो सारे वीडियो प्रूफ के साथ, डिटेल्स के साथ यूनिवर्सिटी ने प्रॉक्टर से मांगे हैं, और अब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उन UFM केसेस को रिव्यू करेगी, देखेगी कि क्या वो UFM बनाने लायक हैं वो केसेस या नहीं हैं, और अगर यूनिवर्सिटी को लगता है कि हाँ ये UFM बनाने लायक केस है, तो उन बच्चों के ऊपर UFM का केस लग सकता है उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए जिसमें ये काम कर रहे थे, ठीक है। बाकी और किसी बच्चे को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कई बच्चे पूछते हैं कि एक बार पास हो गया था मेरा, दो बार पास हो गया था, एग्जामिनर ने हमसे बोला था कि सिट स्ट्रेट और आई विल कैंसिल योर एग्ज़ाम, आई विल मेक योर UFM केस, इस तरह के बहुत से मैसेजेस प्रॉक्टर की तरफ से आते हैं, और उसके बाद वो प्रॉक्टर कुछ नहीं बोलते और आप आराम से एग्ज़ाम देते हैं। तो जितने भी बच्चे ऐसी, देखिए
अगर आप नकल नहीं कर रहे हैं, अगर आपके कैमरे के सामने कोई और दूसरा पर्सन नहीं है, आप फ़ोन कैमरे के सामने नहीं ला रहे हैं, ठीक है, आप किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप कैमरे से गायब नहीं हो रहे हैं, ठीक है, अगर ऐसी कोई हरकत आप नहीं कर रहे हैं तो कोई डरने वाली ज़रूरत नहीं है, कोई UFM का केस नहीं है, ठीक है। हाँ, प्रॉक्टर की मजबूरी है, या आप कह सकते हैं प्रॉक्टर का काम है कि आपको उसको मैसेज करना, यानी कि आप नीचे देख रहे होते हैं स्क्रीन पे, तो वो उसका कर्तव्य है कि वो आपसे पूछे कि आप नीचे क्या कर रहे हैं, आप सराउंडिंग को दिखाइए। तो वो नॉर्मल प्रक्रिया है जो ऑफलाइन एग्जाम्स में भी होता है कि सिट स्ट्रेट टीचर बोला करता था आपसे, डोंट टॉक बोला करता था, बहुत सी चीज़ें बोला करता था, तो वो एक नॉर्मल वार्निंग की तरह है, उसमें बच्चे घबराए नहीं। वो UFM का केस नहीं है। UFM का केस तभी बनेगा आपका जब प्रॉक्टर आपसे कई बार मैसेज करेगा, कई बार आपको वार्न करेगा और आपकी वीडियोग्राफी करेगा, बकायदा आपको पता चल जाएगा कि 8-10 मैसेज प्रॉक्टर ने भेजे हुए हैं कि आप ये कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, और आप तब भी नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे केसेस में ही UFM बनेगा, ठीक है। ऐसे नहीं बनेगा कि आप नीचे बैठे थे या आपने इधर सर कर लिया, इधर सर कर लिया तो आपका UFM बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सर आप इधर करिए, इधर करिए, थोड़ा बहुत तो इधर उधर करेंगे, ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप तुरंत प्रॉक्टर का रिप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रॉक्टर का काम है मैसेज करना, उसका काम है इन्विजिलेशन करना, ठीक है, तो उसको वो करेगा। तो वो सारी चीज़ें UFM में नहीं, ऐसे तो सारे बच्चों का UFM बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इस तरीके से UFM नहीं बनेगा, बहुत ही क्रिटिकल केसेस में बनेगा। जैसे बहुत से केसेस में देखा गया कि 2-3 बच्चे बगल में बैठे हुए हैं और वो मान भी नहीं रहे हैं और वो एग्ज़ाम दे रहे हैं साथ में बैठ के। बहुत से बच्चों सिगरेट पीते हुए पाए गए हैं, खाना खाते हुए पाए गए हैं, बहुत से बच्चे मोबाइल यूज़ करते हुए पाए गए हैं। तो ऐसे केसेस में ही UFM बनेगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मैसेज आ गया, आपका पॉज हो गया तो आपका UFM बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, उन बच्चों को चिंता करने की ज़रूरत है जो नकल करते समय पकड़े गए हैं, क्योंकि पहले यूनिवर्सिटी ने नहीं मांगा था डाटा और आज की डेट में यूनिवर्सिटी ने सभी प्रॉक्टर से डाटा मांगा है, और वो डाटा अब जब वहाँ पर जाएगा यूनिवर्सिटी, और उसके बाद देखा जाएगा कि किसका UFM बनाना है, किसका नहीं। तो यही इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी बच्चों। अभी जो भी एग्ज़ाम बचे हैं उसमें थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आप एग्ज़ाम को दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कैप्टन क्लासेस।